नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम पहुंचे हैं मिहगरी गांव में। बापू देवकर, इन्होंने कॉल किया था, उनके घर के पास कहीं एक सांप देखा गया, उन्होंने फ़ोन किया है। तो दोस्तों यहां पर हम पहुंचे हैं, तुरंत हम इसको रेस्क्यू करेंगे। तो चलिए देखते कौन सा सांप है। इथून इकडे आलं परत त्याच्यात घुसलं खाली, गोणी ठेवली होती इकून। लय लांब नाही, छोटा नाही, लांब आहे, चांगलं तिकडेच आहे त्यांच्या हातात। अरे इकडे तोंड त्याचं कसं घोषवतो नाजूक त्वचा असते, पलीकडल्या साईडला तोंड देतो बघ। लय लांब आहे ती साप म्हणून आहे ना, येणे मारला असतं पण मी बघितलं ती, म्हणलं जाऊन द्या आता। चांगलं झालं फोन केला। सकाळी रेड सैंड बोवा, जिसे हम हिंदी में दो मुआ सांप, मराठी में मांडो इस नाम से जानते हैं। ये जहरीला सांप नहीं है और बहुत से लोग धोखा खाते कि इस सांप को दो मुंह हो, लेकिन ऐसा नहीं। इसका पूछ और मुंह समान दिखता है। ध्यान से देखिए, ये इसका मुंह है और यहाँ से ये अपनी जीभ बार बार बाहर निकल रहा है। देखिए आँखें छोटी होती है और ये उसका पूछ है। ये दोनों सामान दिखने के कारण ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है जैसे ये दो मुआ हो। और जमीन में जाने के वक्त कभी कभार इस तरफ से भी जाता है और पूंछ के जरिए से भी जाता है, जिसके कारण यहाँ पर ये खुरदुरा दिखाई देता है। तो देख सकते हैं आप, ऊपर आने के लिए, जमीन में से ऊपर आने के लिए पूंछ के जरिए से भी ऊपर आता है। ये ऐसे खेत में ज़्यादातर पाई जाती है सांप, और खेत में ही रहना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन क्या है, लोग बहुत डरते हैं ऐसे सांपों को, जहरीला समझकर मार देते हैं। इसलिए मैं हमारे वीडियो के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं कि यह सांप जहरीला नहीं है और आपके घर के आसपास कहीं भी खेत में दिखाई दे तो मारे नहीं। ये कुछ जहरीला भी नहीं है और काटता भी नहीं है, बिल्कुल शांत स्वभाव का सांप होता है, ठीक है। तो फिर एक बार विनती करता हूँ, इसके सांप के ऊपर एक अंधविश्वास है जैसे कि लाखों करोड़ रुपए मिलना। तो जो भी हमें वीडियो के माध्यम से देख रही है, जान ले कि दो मुआ सांप जिसे हम कह रहे हैं, इसे दो मुँह होते नहीं। पहली बात ये तो है, इसका पूंछ और मुंह समान दिखने के कारण इसे दो मुआ सांप कहा जाता है हिंदी में। और इसके ऊपर लाखों करोड़ रुपए मिलना, ये बस अंधविश्वास है। आज तक हमें लगभग महीने में एक बार दो बार ऐसे सांप मिलते हैं, इनको पकड़कर हम पर्यावरण में रिलीज़ करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी होता नहीं कि लाखों करोड़ रुपए मिले, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये अंधविश्वास है, और भी बहुत सारे अंधविश्वास है दोस्तों। इसको रिलीज़ करने से पहले हम और जानकारी जान लेंगे, फिलहाल हम इसको बैग में डालेंगे। इसको रिलीज़ करते वक्त मैं और जानकारी दूंगा, वीडियो में अंत तक बने रहना। तो दोस्तों कल रात मेहकरी गाँव में एक सांप हमने रेस्क्यू किया था, दो मुहा, जिसके बारे में मैंने वहाँ पर जानकारी नहीं दी ज़्यादा, लेकिन अब इस सांप को रिलीज़ करते हुए इसके बारे में जानकारी दूंगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये दो मुहा सांप, ये जहरीला नहीं होता है। इसका पूंछ और मुंह समान दिखने का कारण इसे दो मुहा सांप इस नाम से जानते हैं हिंदी में, और मराठी में, महाराष्ट्र में इसे मांडोळ इस नाम से जानते हैं, दूतोंड्या इस नाम से जानते हैं। इसका कलर जो आप देख सकते हैं, ब्राउन कलर में, चॉकलेटी कलर में, डार्क चॉकलेटी कलर में दिखाई देता है, और कभी कभार ये हल्के से काले कलर में भी दिखाई देते हैं। और ये जहरीला नहीं होता है, बिल्कुल शांत स्वभाव का सांप है और ये काटता भी नहीं। और बहुत सारे अंधविश्वास इस सांप के बारे में, लाखों करोड़ रुपए मिलना। तो जो मांत्रिक बाबा होते हैं ना, तो क्या करते हैं, मंत्र तंत्र का जाप करके पैसों की बारिश करते हैं, ये भी बहुत बड़ा अंधविश्वास है। तो ऐसा कुछ भी होता नहीं, आपके सामने बिल्कुल है। अब जैसे कि देख पा रहे, ये मुँह देखिए, ये इसका मुँह है और ये उसका पूंछ, ये मुंह,
और ये उसका पूंछ है। ये दोनों एक समान दिखते हैं इसलिए इस सांप को हिंदी में दो मुहा इस नाम से जानते हैं, इंग्लिश में रेड सैंड बोआ। चलिए खड़े होकर हम दिखा देते हैं। तो ये शांत स्वभाव का सांप है, काटता भी नहीं, ज़्यादातर ये खेत में रहते हैं, जमीन में जाने के वक्त ये कभी कभार मुंह की तरफ से भी जाते हैं, कभी कभार पूंछ की तरफ से भी जाते हैं, जिसके कारण आप देख सकते हैं पूंछ की तरफ ये खुरदरा दिखाई देता है। ठीक है, तो बहुत से लोग कहते हैं कभी कभार ये जमीन में से बाहर भी आता है इस तरफ से, तो लोगों को क्या लगता है इस तरफ से आया है, इस तरफ से चल रहा है, तो ये दो मुंह होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है दुनिया में, आज तक कोई ऐसा सांप नहीं जिसको दो मुंह हो, इस तरफ से एक मुंह हो, इस तरफ से एक मुंह, ऐसा कोई भी नहीं है। और इसका एक और अंधविश्वास है, 6 महीने इस मुंह से चलना, 6 महीने उस मुंह से चलना, ये भी एक अंधविश्वास है, ऐसा कुछ भी होता नहीं। बहुत सारे अंधविश्वास है, जो भी आपको इस दो मुहे सांप के बारे में आपको जो पता हो अंधविश्वास या कोई गलत फहमी, तो आप इसके बारे में हमें सवाल करिए कमेंट बॉक्स में, और उसका जवाब हम आपको अगले वीडियो में दे देंगे। तो फिर एक बार मैं इसका नाम बता रहा हूँ, इंग्लिश में रेड सैंड बोवा, हिंदी में दो मुहा सांप, मराठी में महाराष्ट्र में इसे दूतोंड्या नाम से जानते हैं, मांडोळ इस नाम से जानते हैं। अलग अलग राज्य में सभी सांपों को अलग अलग नाम से जाना जाता है, इसलिए ज़्यादातर आप इंग्लिश में जो नाम है वही याद रखा करिए, रेड सैंड बोवा। ठीक है, तो फिर एक बार हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, ऐसा सांप अगर दिखाई देता है तो पैसों की लालच में आकर इसको पकड़कर मत रखिए, इस सांप की जान चली जाती है। कुछ लोग क्या करते हैं, पैसे मिल जाएंगे, लाखों करोड़ रुपए मिलेंगे, बहुत सारे पैसे मिलते हैं, ये बहुत बड़ा अंधविश्वास है, ऐसा कुछ भी नहीं। आप ही सोचिए, हमें ऐसे लगभग महीनों में 2-4 सांप मिलते हैं, तो हम ऐसे पकड़ करके फॉरेस्ट में रिलीज करते हैं, तो हमारे पास इतने सारे सांप मिलते तो हम कितने रुपए कमा लेते, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गलत अफवाह है। तो ऐसे अफवाह में ना रहे, जो भी लोग कहते हैं हम लोग आपको पैसे देंगे, करोड़ रुपए देंगे, लाख रुपए देंगे, 2 किलो का लाओ, 3 किलो का लाओ, तो ये सब आपको फंसाने के लिए करते हैं। ये सांप 2-2.5 किलो के आगे ज़्यादा बढ़ता भी नहीं है, फिर भी लोग बहुत अंधविश्वास मान लेते हैं कि ये 4 किलो का होगा, 5 किलो का होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैंने लगभग ऐसे सांप 500 के आसपास पकड़े, 500 से भी ज़्यादा, फिर भी आज तक 13 सालों में मुझे 2 किलो के आगे रेड सैंड बोवा मिला ही नहीं। तो कभी भी आप इस अंधविश्वास में ना रहे कि ये सांप 3 किलो तक 4 किलो तक बढ़ सकता है, ये नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो इस सांप को फिलहाल हम यहाँ पर रिलीज करते हैं। कुछ लोग अभी मुझे देख रहे हैं, वो उनका जो गलत फहमी है, उनका जो कहना है कि ये सांप 2-3 किलो तक होता है, तो उनको मैं फिर एक बार बता दूँ कि कभी नहीं हो सकता है। 13 सालों में इतने सारे सांप पकड़े अब तक मुझे नहीं मिला है, और वैज्ञानिक सांपों के जो तज्ञ लोग हैं वो भी यही कहते हैं कि इस सांप का वेट 2.5 किलो से ज़्यादा बढ़ना असंभव है। ठीक है, तो चलिए रिलीज कर दो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस सांप को हम यहाँ पर रिलीज कर रहे हैं, ये बहुत ही शांत स्वभाव का सांप होता है, बहुत ही ज़्यादा शांत, ये बहुत ही वक्त लगाया अंदर जाने के लिए। ज़्यादा उतार था इसलिए जल्दी स्पीड में चला गया वो। तो आपने देखा दोस्तों, इस सांप को हमने यहाँ पर रिलीज़ किया है। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आता है, इस सांप के बारे में आपको जानकारी मिल गई हो, अच्छा लगा वो वीडियो, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना। अब तक जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना।